기도하겠습니다. 아이 함섭 두아 그래? 하나님 아버지, 오늘 또 파키스탄 전도학교를 허락해 주셔서 감사합니다. 에바압 तेरे हुजूर में शुक्राना जलाते हैं कि तूने आज भी पाकिस्तान में तमाम बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मिलाया है. 파키스탄 복음을 위해서 불러 주신 귀한 목사님들 한 분 한 분을 하나님이 축복해 주옵소서. और ए बाप उस मैंने तेरे हुजूर में शुक्राना जलाते हैं कि तूने हमें फर्दन फर्दन पाकिस्तान में मुनादी के लिए बुलाया है. तेरा शुक्र हो. 전 세계가 함께 어려울 때에 파키스탄 더 많이 어렵습니다. 그러나 이 어려울 때가 바로 기회인 줄 알고 아버지 우리 귀한 목사님들 힘내게 해 주옵소서. 우리 하나님과 अगरचे पूरी दुनिया मुश्किलात का शिकार है और पूरी दुनिया के साथ-साथ पाकिस्तान बेइंतहा मुश्किलात का शिकार है. ऐ खुदावंद हमें तो इन मुश्किलात में से सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाना. हमारे ईमान को मजबूत बनाना. 오늘 또 그리스도의 비밀 속에 들어가게 주옵소서. 우리 하나님 함 मसीह खुदावंद के बड़े भेद को समझने वाले बन सके. 하나님 나라의 일들이 일어나게 주옵소서. 우리 하나님과 함 아스마니 बादशाहत के लिए खुदा की बादशाहत के लिए काम करने वाले बन सके. 시공을 초월한 하나님의 말씀으로 역사하여 주옵소서. 우리 하나님과 또 अपनी गायबी कुवत की बदौलत अपनी ताकत की बदौलत तो यहां से ज्यादा शागिर्दों को तैयार करना. 하나님의 생명력으로 충만케 주옵소서. 우리 하나님 हम तुझसे जिंदगी को हासिल करने वाले बन सके. खुदा की जिंदगी को साथ लेकर चलने वाले बन सके. 하나님께서 특별히 우리 귀한 목사님들 섬기는 교회를 축복해 주옵소서. 우리 खुदावन जितने यहां पर पासवान बैठे हैं मुबशरीन बैठे हैं ऐ खुदावन इनके घरानों के लिए इनकी कलीसियाओं के लिए तुझसे बड़ी बरकत की दुआ चाहते हैं. तमाम सेंटर जो है ये अपना मुख्यालय जो है वो अभी ओपन करें. सारे목사님들 교회 산업인 중직자들이 일어나게 주옵소서. 우리 하나님과 인기 클리시아오 세 기도 구자 루호코 에세 감 가지 करने वाले जो तेरे पाक नाम की मुनादी करने वाले शागिर्द ठहर सके ऐसे लोगों को तैयार करना. 렘넌트 영적 서밋들이 일어나게 주옵소서. 우리 하나님 जो 렘넌트 की जो सेमिनार्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं समिट को हम बनाने वाले बन सके. 특별히 렘넌트 통역 선교사들이 일어나게 주옵소서. 사실 해, 온메서 또 अच्छे से अच्छे तर्जमान पैदा करना. 오늘도 말씀을 듣다가 하나님의 놀라우신 은혜로 육신의 연약한 것들을 치유받게 주옵시고. 레크동타 아직의 그람의 वसीलासे सबको फर्दन फर्दन बड़ी बरकत से मालामाल करना. 마음과 생각과 정신 쪽에 아버지 하나님의 평강으로 충만케 주옵소서. 우리 하나님, 에 바프스만이, 그 이트민안, 조 테리 터프스에 아타 해, 그 이트민안, 함에 아타 아프마나, 타케 함 테레 이트민안 키 바돌라 진디 바스르 카르스케. 개인의 영적인 문제, 가정의 영적 문제 치유되는 시간 되게 주옵소서. 우리 하나님과, 하 키슴 키 무시클, 하 키슴 카 마슬라, 함아레 그라노세, 함아레 클리시아오세 자타 레. 통역하는 우리 귀한 우리 일선 목사님을 특별히 축복해 주옵소서. 우리 하나님과 이시 तरह से 파드리 윌슨 जो आज के हमारे तर्जमान हैं उनके खानदान के लिए उनके बेबी बच्चों के लिए तुझसे बड़ी भारी बरकत की दुआ चाहते हैं. 여기 방송실에 귀한 전도사님과 사랑하는 렘넌트를 하나님이 평생에 축복해 주옵소서. 우리 하나님과 जितने बच्चे आज यहां पर बैठे हैं तेरे कलाम को सुनते हैं और जितने मल्टीमीडिया को चलाने वाले हैं उन सब के लिए तुझसे बड़ी भारी बरकत की दुआ चाहते हैं. उक्राइना의 정소명 렘넌트를 축복하시고 그 모든 구제 사역들을 하나님께서 복을 내려 주옵소서. 우리 하나님과 यूक्रेन में जबकि एक मुश्किल का शिकार है पास्टर छोसोम्योंग ऐ खुदावंता तो उनको बड़ी बरकत देना और जंग और जदल के हालात में भी उनके ईमान को तो इसी तरह से मजबूती से कायम और दायम रखना. इवन 한 주간도 우리가 감당하고 있는 모든 40개의 그 전도학교와 신학교와 RTS를 축복해 주옵소서. 우리 खुदावंता पूरी दुनिया में जहां कहीं जो रेमिनेंट के स्कूल हैं और जो RTS के बाइबल कॉलेजेस हैं सब पर तेरी पाक बरकत नाज़िल होती रहे.
모든 강사 목사님들에게 말씀을 주시고 복음의 비밀만 전달하게 해 주옵소서. 레 खुदावन ये सब के सब जितने तेरे मुनादी करने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में सब मसीह खुदावन के भेद को समझने वाले बन सके. 모든 말씀을 전달하는 귀한 목사님들의 건강을 주시고 섬기는 교회들을 축복해 주옵소서. 레 खुदावन जितने यहां पर इस वक्त लीडरान चर्च लीडरान बैठे हैं क्लीसियाओं के जो सरब्राहान हैं सबके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं उनके खानदानों पर उनके क्लीसियाओं पर तेरी खास बरकत नाज़िल होती रहे. पाकिस्तान बोगमारु 위해서 아버지 하나님이 부르신 귀한 목사님들 저들의 교회 모든 상황이 환경이 어찌 됐든 아버지 모이기를 힘쓰는 저들 되게 주옵소서. 어레 खुदावन तो इन सब को बड़ी बरकत अता फरमाना जबकि तूने नाम बनाम इनको पाकिस्तान में पाकिस्तान की मुनादी के लिए बुलाया है. ऐ खुदावन इनको बरकत अता फरमाना इनको सिखाना ताकि ये बेहतर अंदाज में जाकर अपने इलाकाजात में खिदमत करने वाले बन सकें. 오늘 이 시간도 하나님께서 파키스탄 모든 민족을 특별히 긍휼히 여겨 주시고 은혜를 베풀어 주옵소서. 어레 खुदावन खुदा तेरा बड़ा फजल का हाथ तेरा बड़ा कवि हाथ इनके सरों पर रहे और तुझे हर वक्त इनका ख्याल रहे और ये तेरी तरफ ध्यान लगाए रखें. यीशु कृष्ण के नाम से खुदावन्दा आमीन. खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं आमीन. आमीन आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया आमीन आमीन आमीन. 오늘 성경 말씀 보겠습니다. 성경 말씀 요한복음 17장입니다. ओके मुकद्दस योहन्ना के इंजील आए हम अपना ध्यान खुदावन के पाक कलाम की तरफ लगाएं. मुकद्दस योहन्ना के इंजील और उसका 17वां बाब योहन्नबोम 17장 11절부터 11절 12절 보겠습니다. 요한복음 17장 인질 예. 예, 요한복음 17장 11절 12절. 오케이. 오케이. 무카드스 요한나 के इंजील 17वां बाब 11वीं और 12वीं आयत को देखेंगे. 무카드스 요한나 के इंजील 17वां बाब 11वीं और 12वीं आयत को देखेंगे. 파클람 में यूं लिखा है सब बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा. मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूं ऐ कुदूस बाप अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों. जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की. मैंने उनकी निगाहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो. खुदावन की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो. खुदावन तेरा शुक्र हो आमीन आमीन. ये यीशु님 그 마지막 십자가 지시기 전에 마지막 기도가 바로 요한복음 17장 전체 내용이죠. जी और मेरे जीजो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब का दुख उठाने से पहले हम देखते हैं 17वें बाब में अपने शागिर्दों के लिए दुआ की है. कते यीशु님의 기도 내용은 바로 예수님께서 아버지의 이름을 우리에게 주었다고 그러고 아버지의 이름이 보존해서 지켜졌다고 이렇게 말씀합니다. जी और यहां पर मसीह खुदावन ने खुदा बाप से दुआ की है अपने शागिर्दों के लिए ताकि शैतान उनको छूने ना पाए और शैतान उनके दिल से कलाम को चुरा कर ना ले जाए और शागिर्दों को समझाया है कि हमारा खुदा बाप एक है. 성삼위 하나님은 하나라고 그 온네스의 비밀을 알려주신 겁니다. 지, 어, उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया oneness का मतलब यानी तसलीस खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा पात्र एक खुदा है. 하나님 아버지와 예수님과 성령이 하나 되고 또 우리도 그 안에서 하나님과 하나 되기를 원한다고 예수님이 그렇게 기도했어요. जी और खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया है कि खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा पात्र एक हैं. मैं और बाप एक हैं. मैं बाप से निकला हूं
और उन्होंने अपने शागिर्दों के लिए यह दुआ की कि ये भी एक हो 우리가 성삼위 하나님과 하나 되고 그리고 그 일이 그 사건이라면 실제로 어마어마한 사건이잖아요. 그러면서도 예. 네, 네. 하세요. 그러면서도 우리에게 아버지의 이름을 주셨다는 겁니다. 지. और यहां पर साफ मसीह खुदावन ने शागिर्दों को समझाया है कि मैं और बाप एक हैं और दुआ की है कि खुदा जिस तरह मैं और तू एक हैं इसी तरह ये भी तुझ में एक हो 그래서 구원받은 우리에게 어마어마한 축복을 허락해 주셨는데 그것이 그 이름입니다. 이름. 아버지의 이름. 잠깐만. 우리에게 엄청난 축복을 주셨는데 그것이 큰 무기가 되는 거죠. 그런데 그것이 바로 하나님의 이름이에요. 예. और सबसे पहली बात इस दुआ में जो बरकत हमारे लिए बरकत की बात है वो हमें खुदा का नाम बताया गया है 그래서 우리는 정말로 그 분명히 우리가 가지고 있어야 될 것 하나님이 우리의 주인이라는 사실 이거를 분명히 해야 돼요. 하나님의 조 이스테라 예. 하나님의 주권을 인정해야 되는 거. 지. so जो खुदा ने आपको हक बख्शा है 정말로 예수님이 나의 주인이 된다면 그때부터 역사가 일어날 수밖에 없죠. 지. और मेरे जीजो जैसे ही हम मसीह खुदावन को अपना मालिक मानते हैं खुदा की तरफ से हमें बरकत मिलना शुरू हो जाती हैं 내가 주인이 되면 안 되죠. 지. अपने आप को अपनी जिंदगी का मालिक हरगिज ना समझे 예수님께서 피를 흘려서 나를 사셨기 때문에 나의 주인이 예수님이 되셔야 됩니다. 지. क्योंकि मसीह खुदावन ने अपना बेशकीमत लहू आपके लिए बहाया है इसलिए हम मसीह खुदावन को अपना मालिक मानते हैं 정말로 주님의 그 주님께 우리의 주권을 넘겨 드리면은 주님의 역사가 일어나는 거죠. 지. और जब खुदा ने आपको बेटे होने का हक बख्शा है जब आप मसीह खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो खुदा अपने इख्तियारात में से आपको नवाजता है 우리 목사님들의 성도들이 우리 목사님들 교회의 성도들이 분명히 이것을 해야 돼요. 분명히 주인이 주님이 주인이 되시는 그 위치를 분명히 알려줘야 되겠죠. 지, so मेरे जीजो जब आप अपने क्लिसियों में जाते हैं और आप कलाम पेश करते हैं तो लोगों को समझाएं कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही को अपना मालिक मानिए 정말로 주인이 누구냐 이거는 대단한 그 결과가 나타나는 겁니다. 지. और सबसे जरूरी पैगाम यह है कि आप क्लिसियाओं को खुदा के पास लाएं. 여러 가지 일이 터질 때에 우리는 당황하게 되죠. 지. अगरचे हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा कामकाज करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं. 우리의 모든 생각이 급해지고요. 여러 가지 고통스럽고 불안하게 됩니다. 지. बाज औकात हमें रोजमर्रा जिंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. कई आफात, कई मुश्किलात, मसाइल. 왜 그렇게 불안해지고 왜 그렇게 그 좀 걱정이 되고 그러죠? 지. क्यों हम परेशानियों का शिकार हो जाते हैं? क्यों हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं? या अक्सर औकात परेशानियों में गिरे रहते हैं? 여러 가지 일들을 내가 처리하려고 하기 때문에 그렇게 됩니다. 지. क्यों ऐसी मुश्किलात आपके सामने आती हैं? क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मैं अपनी ताकत के बलबूते पर तो फिर मुश्किलात आपको घेरती हैं 정말로 나의 주인이 예수님이라면은 예수님께 맡길 거 아니겠습니까? 정말로 나의 주인이 예수님이라면은 lekin jab aap 예. 예, 예수님이라면 예수님께 맡기게 되겠죠. 그러면은 내 걱정이 아니잖아요. 지. और जब आप मसीह खुदावन को अपनी जिंदगी का मालिक मानते हैं अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं और अपनी सारी मुश्किलात मसीह खुदावन को दे देते हैं
और मुकम्मल तौर पर अपने अपने आप को मसीह खुदावंद के सुपुर्द करते हैं तो फिर आपको अपनी मुश्किलात याद नहीं रहती क्योंकि मसीह खुदावंद आपकी मुश्किलात को दूर करते हैं। 모든 것을 주님이 주장하시고 주님이 주인이 되신다면은 주님이 나의 문제를 해결하실 거 아니겠어요? 지, 주께 مسیح خداوند آپ کی تمام مشکلات کا واحد حل ہیں. سو اپنی مشکلات مسیح خداوند کو دیں. 어떤 여자는 참 이쁘고 잘생기고 똑똑한데요. 남자 주인을 잘못 만나 가지고 평생 고생을 하는 여자도 있어요. 지, एक औरत का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा. बड़ी खूबसूरत औरत थी और बड़ी ज़हीन थी. लेकिन उसने अपने लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया. 남편을 버릴 수도 없어요. 남편을 죽일 수도 없습니다. 살인자 되니까. 또 남편은 도망갈 수도 없고 헤어질 수도 없어요. 이혼한 여자가 되니까. 그러면 이제 자녀들의 문제가 있잖아요. 그것 때문에 견디지를 못하는 거예요. 지, फर्ज करें कि अगर आप अपने ऐसे जीवन साथी का इंतखाब कर लेते हैं जो आपके साथ मैच नहीं करता तो फिर ना तो आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं ऐसे रिश्ते से ना आप वहां से भाग सकते हैं बल्कि बच्चों की खातिर जितनी मर्जी मुश्किलें हैं बच्चों की खातिर इंसान गुजारा करता रहता है। 어떤 여자는 남편에게 구타당하고 삽니다. 사람을 잘못 만나서 그래요. 주인을 잘못 만났던 거예요. जी और आपका मिजाजी खुदा होता है आपका जो शोहर है और फर्ज करें कि आपने अपने शोहर का गलत इंतखाब कर लिया। 내가 내 인생의 주인 되면 안 됩니다. 우리 주인은 그리스도요. जी लेकिन फर्ज करें कि आपने कोई ऐसे शोहर का इंतखाब किया कि उसको आप अपना मालिक समझते हैं तो ये गलती पर हैं आप बल्कि मसीह को अपना मालिक समझे। 하나님 없는 사람들은 다 자기 자신이 주인이에요. जी और ऐसे लोग जो बेईमानी का शिकार हैं या दीगर मजाहब का शिकार हैं वो अपनी जिंदगी में अपने आप को मालिक समझते हैं। 우리 인간이 얼마나 약하고 얼마나 모자라고 별 볼 일 없잖아요. 그런데 내가 주인으로 사는 것 그 자체가 고생길입니다. जी और इंसान चूंकि बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है हम बड़े से बड़ी चीजों का मुकाबला अपनी हिम्मत के साथ नहीं कर सकते और जब हम अपनी जिंदगी में अपने आप को मालिक मान लेते हैं तो फिर सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं है। 하나님은 나를 그 아들의 피값으로 사셨습니다. 그래서 하나님이 내 주인이 되시는 건 당연한 거죠. जी और जब आप अपने आप को अपनी जिंदगी का मालिक बना लेते हैं और मुश्किलात का शिकार हो जाएं 예수님이 주인이 될 때 하나님이 나의 주인이 될 때 나의 삶은 성공적으로 이제 변하는 겁니다. 지, 어, जब आप दूसरे नंबर पर लिख लीजिए कि जब आप मसीह खुदावन को या खुदा को अपना बादशाह मानते हैं, अपना मालिक मानते हैं, तो जिंदगी इत्मीनान में रहती है। 다락방 전도 운동은 많은 전도 방법들이 있어요. 지, 어, 메레 지소 जो अंजीली बिशारत की तहरीक है यानी बालाखाना की अंजीली बिशारत की जो तहरीक है उसमें हमने बहुत से हल तलाश किए हैं कलाम अक्सस की रोशनी में चान्यांग जोंदो छोचोंग जोंदो इरों गो इस्मिदा जी और प्रस्तिश किस तरह करनी है कलाम की मुनादी किस तरह करनी है इसमें बहुत ज्यादा तरीके सिखाए जाते हैं मुनादी करने के नोबांग जोंदो उरियो जोंदो दो इसे जी और बच्चों में किस तरह तबलीग करनी है औरतों में किस तरह मुनादी करनी है हक्यो जंदो कोंगदान जंदो दो इस्मिदा जी और स्कूलों में जाकर किस तरह मुनादी करनी है और इदारों में जाकर या मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हमने किस तरह मुनादी करनी है तमिनजोक जंदो फ्योंगोन जंदो दो इक्कोयो जी और मुख्तलिफ मुआशरों में जाकर किस तरह या दूसरी सोसाइटियों में जाकर किस तरह मुनादी करनी है 지역 전도, 무속인 전도까지 아 굉장히 많아요. 전도의 방법들. 지, और जितने मुनादी के तरीके हैं हमारे पास बहुत ज्यादा हैं कि हम हमने लोगों को इस तरह से तरबियत किया है। 여기서 모든 시작이 영접으로부터 시작이 돼. 영접. 영접하면서 시작이 되죠.
예수님을 영접하면서 시작이 됩니다. 예, 모든 다광 전도 운동 예수님 안 보여요? 화면이 안 나와요. 오케이. 예, 지금 돼요. 예수님 영접하면서 시작이 되는 거예요. 오케이. 지, 어, 지트네 문화디 게 트리케 해. 예, 그한세 인가 아가서 때 해. 제세히 아 마시히 후다만 겁나 샥시 니자 딘다 그볼 같대. 여기서 영접하고 끝내버리면 안 돼요. 지, 어, 쓰럽 그볼 같네 해. 가피 나 해. 반드시 이렇게 연결이 돼야 돼요. 말씀 운동으로. 지, 제가 마시히 후다만 또 그볼 같래. 또 필 후다만 게 그라미에 벌떼 찰리자. 하나님이 원하시는 것은 영접에서 끝내는 것이 아니고 지속적으로 말씀 운동을 일으키는 거예요. 지, 어, 후다, 에사, 하르기즈, 네, 자타, 캡스, 후다, 예수, 시코, 쿠볼, 카레, 어, 바트, 카타, 모게. 네, 벌케, 이게, 마시, 카타, 찰레자. 이 말씀 운동 일으키는 것이 초대교회의 말씀 운동입니다. 지, 어, 메레, 저, 어, 저, 드르메니 दर्जे लोग हैं या दरमियानी तबके के लोग हैं वहीं से कलाम की मुनादी का आगाज करें छोटे उंदोंन तरकबांगेसो इरोनाने उंदोंन मालसम उंदोंगेयो जी और जो हम बुनियादी तौर पर जो कलाम की मुनादी की प्रैक्टिस कराते हैं तकरीबन मिडिल स्कूल से इसका आगाज हो जाता है और ये अंजीली बशारत की तहरीक है 학교를 이제 전도할 때 또 그리고 지역이나 병원 전도할 때 공단을 전도할 때 그 전부 다 말씀 운동으로 연결이 되어야 하나님 원하시는 전도가 되는 겁니다. 지, 어, 후다 किस तरह की मुनादी चाहता है कि आप पहले कलाम की मश करें कलाम की कलाम के मुताबिक खुद तैयार हो और फिर जाकर आप मुनादी करें 이렇게 하기 위해서는 사역자가 준비가 돼야 돼요. 사역자. 오케이. 어, 이스케 바 아프 로고코 타이아르 크레. 말씀 운동을 지속적으로 할 수 있는 사역자요. 제자입니다. 제자. 로고코 타. 이 사역자 제자. 이스카 मतलब है कि शागिर्द. 예. 그래야 말씀 운동이. 로고코 타이아르 크레. 어, 로콘 타이아르 헌게. 전도 운동이 지속이 됨. 됩니다. 네. 어, 이스라엘의 학생들도 준비하세요. 자, 하나님의 놀라우신 구원이 얼마나 어마어마한 것이면 우리가 상상도 못할 정도로 많은 것이 그 안에 들어 있어요. 네. 어, 이게 그렇게 큰 복의 바트야, 그 후다 파크 타슬리스, 예니 후다 베, 후다 바프, 후다 베타, 후다 파크도 아프게 안드레. 구원의 내용은요. 평생 우리가 말해도 모자랄 정도로 하나님의 축복이 어마어마하게 들어 있어요. 어, 이게 कितनी बड़ी बरकत की बात है हमारे लिए निजात के खुदा ने निजात हमें रहम में बख्शीश में अता की है तोहफे के तौर पर. 사단에서 해방받았지. 지옥에서 해방받았지. 죄의 심판에서 해방받았지. 오케이. 아, 사탄 के शिकंजे से रिहाई. 제한남 से रिहाई. 구나호 से रिहाई. 예 है निजात. 운명에서 해방받았지. 그럼 뭐 완전히 가문의 저주에서 해방받았지. 오케이. और अबदी तौर पर जहन्नम से रहाई, अबदी तौर पर बुरी किस्मत से रहाई और अबदी तौर पर मौरूसी गुनाह से रहाई. 더러운 귀신들에서 해방받았지. 뭐 이거 이루 말할 수 없어요. 받은 축복이. 메레 아지즈 인 बरकात को बयान नहीं किया जा सकता. बदरुहों से बदरुहों के शिकंजे से रहाई. खुदा ने आपको शैतान से शैतान के चंगल से आजाद किया है. 그 놀라운 하나님의 축복을 지속적으로 그 구원받은 사람이 알려줘야 돼요. 여러분 그 목사님들 성도들에게 알려줘야 되잖아요. 네, so 메레 아지즈 जब भी आप अपने कलीसियाओं में जाते हैं कलाम सुनाते हैं तो लोगों को हकीकत के बारे में बताएं कलाम के ऐन मुताबिक होकर मुनादी करें. 그래서 성도들이 그걸 다 놓치고 있어요. 네, और अक्सर औकात जो आपकी कलीसियाओं के लोग हैं वो कलाम को भूले बैठे होते हैं. 하나님이신 놀라운 축복은 성경 안에 어마어마하게 기록돼 있잖아요. 근데 성경을 가지고도 우리는 놓치고 있어요.
जी और लोगों तक सही कलाम की मुनादी करें तो संगीत 속에 하나님이 엄청난 축복을 우리에게 주시는 구원받은 자들에게 주시는 약속이 정말로 실제적으로 사실로 구체적으로 성경에 약속이 돼 있는데 이 성경을 가지고도 우리는 그것을 그냥 간과하고 내버린다니까 내 흘러버린다니까요. 지, 어, 이게 하나님의 와다해, 하나님 아픈의 그람의 부도렛, 아프고 버카드세 나와스타해, 그의 와다에 버지킨 그래. 히브리서 4장 한번 보세요. 오케이. 이브라니어 4th 밥고 देखिएगा. 바클람고 देखें. 이브라니어 4th 밥. 히브리서 4장 2절이요. 오케이. 4th 밥의 2시 아이트도 देखते हैं. 이브라니어 4th 밥 और उसकी दूसरी आयत क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई. लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया. 그 सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा. 아멘. 아멘. 하나님의 놀라우신 그 약속들 축복들이요. 하나님의 말씀을 통해서 성경을 통해서 있는데 그것을 내 것이 되지 못한 것은 그 말씀이 떠내려 가버리니까요. 지. और ऐसे लोगों ने खुदावन के कलाम तो को कबूल तो किया लेकिन अपने दिल में उस कलाम को जगह ना दी. 그 말씀이 떠내려가니까 그러니까 우리가 믿음으로 잡지를 못하는 거예요. 지, 주께 उन्होंने अपने दिल में कलाम को जगह ना दी, मौका ना दिया, इसलिए उनके ईमान में इजाफा ना हुआ. 그래서 말씀을 그 2장 히브리서 2장 1절을 또 한번 읽어 보세요. 2장 1절. 예. 이브라니어 2세 바브 की पहली आयत को देखें. 이슬리에 जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं. 아멘. 우리가 들은 것을 흘러 떠내려 버리지 않도록 우리에게 머물게 해야 돼요. 지, बड़े ध्यान से सुने और दिल लगाकर गौर करें ताकि उनसे दूर ना चले जाएं. 그래서 예수님을 영접하면 반드시 말씀 운동으로 연결돼 줘야 된다니까요. तो इससे मुराद यह है कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो उसके साथ जुड़े रहें और कलाम की मशक में रहें. 말씀 운동하려면 말씀 운동할 수 있는 제자, 그 사역자를 세워야 되잖아요. 지, तो जरूरी है कि कलाम की मशक करते चले जाएं और कलाम के मुताबिक लोगों को तैयार करें जिससे मुराद है हकीकी शागिर्द. 그 사역자가 있어야 이 말씀 운동이 지속이 되고 듣는 사람이 또 많은 응답을 받게 돼요. 지, और जब आप अच्छे और हकीकी ऐसे शागिर्द तैयार करते हैं ताकि वो और लोगों को कलाम की तरफ लाने वाले बन सके. 그래서 요 사역자가 일어나도록 우리는 말씀 운동과 함께 뭐를 해야 되냐면은 기도 운동이 같이 일어나야 돼요. 지, so 그람의 마시케 사드, 에크 어어 치즈 캬 주루리해, 케 두아 카르나. 그래 이것이 바로 다락방 운동이에요. 지, 어어 자바 두아 카르테헨, 부다메 호카, 또 필 아프 두아온과 제와 밀타헨. 말씀 운동, 기도 운동. ओके अंजीली बशारत की तहरीक में शामिल होना कलाम की मशक करना और दुआ करना. 이것이 제대로 돼야 전도 운동이 일어나요. जी और जब ये सारी चीजें एक हो जाती हैं तो फिर अंजीली खुशखबरी की मुनादी होती है. 이렇게 하면서 다락방 운동이 제대로 되는 정착이 되는데요. 다락방 운동을 하면 어떤 것이 다락방 운동이 어떻게 되냐 하니까 다락방 운동은 그 교회 성도들을 보호하는 겁니다. 성도들을 보호하게 돼요. 다락방 운동 하면 자연스럽게 성도들을 보호하게 돼요. 지. और फिर तीसरे नंबर पर कि जब आप कलाम की मश करते हैं तो
کلیسیہ میں اضافہ ہوتا ہے یعنی مقدسین کلیسیہ کے لوگ بڑھتے ہیں 이상한 단체가 너무나 많아요. 지, 이단 사교가 얼마나 많습니까? 지, 이 다락방 운동을 통해서 정말로 하나님의 말씀으로 성도들을 보호해야 되는 거예요. 지, 말씀 운동하면은 전도도 자연스럽게 같이 돼요. 전도 운동이 됩니다. 지, 어, 잡, 앞, 칼람키 마시 करते हैं, 두아메 ठहरते हैं, तो लाज़मी बात है कि मुनादी अच्छे तरीके से होगी. 전도해 놓고 제일 그 힘들게 많은 시간들이 이렇게 들어가는 것이 사람들을 양육하는데. 양육도 다락방을 통해서 자연스럽게 되어버리고 말아요. 지, 그리고 देखेंगे कि जब आप कलाम की मुनादी करते हैं, तो लोगों में कलाम की एक प्यास बढ़ती है. 그것도 양육이 되는데 양육 그냥 그 교회 안에서 모여서 성경 막 공부나 하고 막 이런 양육이 아니고 현장에서 양육이 되기 때문에. 양육 받은 사람이 바로 제자가 돼요. 그래서 이게 다락방이에요. 지, 어, 저, 발라카나 키, 안질 키 문나디해. 잡, 앞, 로고는 그 들면, 그, 에사 네히, 그, 앞, 앞, 스럽, 클리시엄, 벌케, 앞에 일라카, 잡에 비 샤길, 타이아르 호테. 이렇게 하면서 뭐가 되냐니까, 이 전도가 지속적으로 이루어지게 됩니다. 지, 어, 안질기, 부샤르트기 부달르트, 칼람 쭈케, 진디기야 아타 카르타해. 전도 열매가 나타나게 되죠. 어, 첫째 넘버 파, 게 문나디케 팔 앞고 나자라잉게. 전도 열매가 나타나는 거 보면은 양육이 돼요. 바로 돼요. 현장에서. 지, 어, 지, 어, 지스타라 메네 앞고 바타야, 게 잡압 칼람키 문나디 카르테해, 로그 우트카레 호테해, 문나디케 리에, 또 फिर मुनादी के फल आपको नजर आते हैं 그러면서 다락방으로 또 문제가 해결이 되는데 무슨 문제가 해결되냐니까 다락방 하면서 신방의 문제가 해결이 돼요. 신방을 해야 되잖아요. 성도들 살펴 주고. 근데 다락방으로 해결이 된다니까. 예. 목사님 이래 신방 교회 그 집 방문하는 거. 개인적으로 개인적으로 방문하는 거 있잖아요. 신방하고 치유에 케어하는 거 있잖아요. 그것이 다락방에서 자연이 되어버리고 말아. 지, 어, 사트웨 넘버 파, 그 샥시 토어 파, 샥시 토어 파, 그의 아픈 인생이 되다 해, 칼람키 문나디키 바돌릿. 그래서 예수님 말씀하셨잖아요. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 양육하고 신방하고 이런 것들이 다락방에서 해결이 돼요. 자연스럽게. 지. 어, 마시 خداوند کے ارشاد اعظم کی طرف ذرا غور کریں کہ مسیح خداوند نے کیا فرمایا تھا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. 그리고 이렇게 하면서 발견할 것이 있어요. 발견할 것. 3번째 넘버 پر 3번째 넘버 پر कलाम की मुनादी करना या कलाम सुनाना क्यों आने से और क्यों आने से यो 우리 목사님들이 교회 안에서 이걸 발견해야 돼요. 일꾼을 발견해야 돼요. जी और आपने किन चीजों की तलाश करनी है सबसे पहले वो जो खुदा का काम करने वाले लोग हैं 하나님은요. 하나님은 교회 안에다 일꾼 심어 놨어요. जी और खुदा का काम करने के लिए भी चर्च के अंदर या क्लिसिया के अंदर काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है। 우리 목사님들이 이제 영접하고 끝나는 것이 아니고 말씀 운동으로 지속할 수 있는 지속해야 되는데 그것이 필요한데 꼭 사역자가 필요해요. 그래서 그것을 가지고 성도들을 살펴보고 누가 제자냐, 누가 사역자냐, 딱 살펴보면은 네. 교회 안에 일꾼이 있다는 것을 발견하게 돼요. जी और मेरे जिसो एक पासबान को जब वो कलाम की मुनादी करता है या जब अपनी क्लिसिया में
एक पासवान खिदमत करता है तो उसको जानने की जरूरत है कि आपके चर्च में या आपकी क्लिसिया में कितने हकीकी शागिर्द तैयार हो चुके हैं या कितनी ऐसी रूहें हैं जो कलाम की मुनादी के लिए तैयार हैं। और सबसे पहले जानने की जरूरत है कि कारकुनान को जानना जो सरगर्मे अल्म अमल हो और मुनादी का काम अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हो। मुख्सायमजी भोगमल इन जिलकुन चंदोल इन जिलकुन इरके हंदु मेंगन इरना दो यक्षा का इरना मिता जी। और फर्ज करें कि एक क्लीसिया से एक हकीकी शागिर तैयार हो जाए या कोई एक ऐसा मुनादी करने वाला तैयार हो जाए तो पासवान की खिदमत पूरी हो जाती है। तो शंजंग भोनन दुन तो यल्लो जा दे जी। और दूसरे नंबर पर इलाका जात में खिदमत शंजंग या मानन सारम दे हनानिम के से ये भी नॉन सारम दे इसयो जी। और इस वक्त भी अगर आप अपने इलाका जात में जाए बहुत सारे लोग खुदा की इबादत के लिए तैयार हैं। कुछ सारम दे बोल सु इतरो मनार सु इतरो बोल रहे आदमी का किदो या दे जी। सो ऐसे लोगों के साथ मिलकर क्या करना है आपने आपने दुआ करनी है। कृष्ण मार्सम उन्दोंगा किदो उन्दोंगी चीजों के आधे रंगा जी। सो ये मतवातर चलते रहना चाहिए। सबसे पहली बात कलाम की मनादी, दूसरे नंबर पर दुआ और फिर दुआओं का जवाब। कृष्ण जो कहाँ तो चुंगियां कुछ इससे यही सो बालियनल कर इल्कुनल बालियनाको क्योंयाने इल्कुन कुरको हिंजांगेसे इल्कुन हनानी मेबी नानंदे को सारम्दर सेवया देजानायो जी। सो मेरे जिजो जब आप मुनादी के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले अपनी क्लीसिया में से खुदा के कारकुनान जो खुदा का काम करने वाले लोग हैं उनकी तलाश करें, फिर अपने इलाका जात में जाकर ऐसे लोग जो खुदा की इबादत में हैं उनकी तलाश करें। इन सारम्दरल इरके सायोक्चारो ये चेजारो सेवल्यामेनन चलते फिरवान गोशी मेसेजियो। ओके सो इन लोगों के लिए क्या चीज जरूरी है। खुदा का पैगाम मालसमी फिरवान गमिदा जी। ये लोग प्यास रखते हैं कलाम की या मालसमी फिरवाना ये 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 मालसमी बोया देमिका जिकम उरी गाओ इन योगे जिकम बोगम पेंजिका आजु जोआयो जी। और मेरे अजीजो आज जो हम सीख रहे हैं सबसे जरूरी कलाम जो हमने शुरू किया था कि जो 10 मुनादी के पैगाम हैं या खुशखबरी का कलाम, आज जिस तरह हम कलाम मुनादी का कलाम सुन रहे हैं इसी तरह आप लोगों को भी मुनादी के बारे में सिखाएं, खुशखबरी के बारे में सिखाएं। बोगम पेंजी 1과부터 지금 첫 번째 만남부터 지금 열 번째 편지까지 했는데 지금 우리가 지금 일곱 번째 편지까지 지금 하고 있어요. 네, 그리고 함네 मैंने आपको जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया था तो मैंने बताया था कि हमारे पास खुशखबरी के 10 पैगामात हैं और 10 खतूत हैं और पहले खत से हमने पढ़ना शुरू किया था और आज हम 7वें नंबर पर हैं। उन्हें इल्सुम मुख्सानी में कुगत्तरल पोम पेंजिल गत्तागा इरके पोन्योंगे गाजुगो कोने उन्हें मुख्सानिदरांते दोल्योजुगो कुगो गाजुगो हेंजांगेसो उन्हें जेजादरी बारो इल्गोजुमेनन कु हनानिम योक्सागा इरनायो। 어렵지 않습니다. 네, 말씀 전 목사님. 예. 예. 아, 목사님 제가 번역해 가지고요. 아, 예. 암젓 목사님에서 다 보냈어요. 그래서 암젓 보냈어요? 목사님이 예예 보냈어요. 예예. 예. 그건 저 예. 우리 암젓 목사님한테 다 보냈다고 그러니까 암젓 목사님을 통해서 목사님들이 다 갖고 목사님들의 예. 교회에서 제자들을 양육할 때 그걸 먼저 예. 우리 제자들 모든 성도들에게 나눠 주면서 같이 읽도록 하면 하나님이 जी. 그렇게 기뻐하십니다. 예. और पादरी अमजद साहब जो आपके पास जो खुशखबरी के 10 कलाम मौजूद हैं उसका तर्जमा आप तक पहुंच चुका है। भाई साहब कहते हैं कि वो आप उनकी कॉपी निकाल कर अपने तमाम शागिर्दों को दें, अपने सेमिनरी स्टूडेंट्स को दीजिए और अपनी क्लीसियाओं में उस खुशखबरी के कलाम को फैलाइएगा। 거기 복음 편지가요. 현장에서 전도하는 속에서 이렇게 정리가 됐기 때문에 하나님이 그렇게 기뻐하시면서요. 복음 편지 읽으면서 수많은 사람들이 바꿔졌어요. 지. और फिर जब आप अपने इलाका जात में जाते हैं और ये खुशखबरी का खत लोगों को देते हैं, लोग खुशखबरी के खत को कबूल करते हैं तो देखिए कि खुदा कितना खुश होता है आपकी खिदमत से। 현장에서 일꾼 그리고 현장 그리고 메시지가 준비 세 가지가 준비되면은요. 하나님은 사람을 붙이십니다. जी। और मेरे जिजो जब आप अपनी क्लिसिया में और अपने इलाका जात में
जब आप जाकर मैसेज देते हैं पहले आप खुदा के लोगों को तलाश करते हैं अपनी कलीसिया में से फिर इलाका जात में से और फिर जब हम उनको खुशखबरी का कलाम सुनाते हैं इगे जेदरो देमेनो इ से गाजीगा जेदरो देमेनो बंदशी इलनायो 생명의 역사가 일어나요 जी और फिर जो जिंदगी की तहरीक है वो जारी और सारी वो जारी हो जाती है इ 속에서 주님은 이 속에 생명의 역사가 일어나니까 하나님의 능력이 체험이 되는 거예요. 네, और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हैं इस कलाम की मश्क में जाते हैं लोगों के पास तो उनको खुदावन की तरफ से जिंदगियां मिलती हैं. 여기서 살아나게 돼요. 같이 듣고 같이 나누고 있으면 살아나게 돼요. 네, और जब वो खुदावन का जिंदगी बख्श पाक कलाम सुनते हैं कलाम उनके कानों में पहुंचता है कलाम कानों से दिल में पहुंचता है दिल में जगह मिलती है और उनको खुदा की तरफ से जिंदगी मुयस्सर आती है. 산 사람은 움직이게 돼 있어요. 네, 펄스 करें कि अगर आप एक रूह को भी बजा लेते हैं 은혜 받은 만큼 움직입니다. 네, और जो कोई खुदा के फजल को हासिल करता है 이때부터 나타난 것이 전도 운동이에요. 네, और इस तरह आपकी जो मुनादी है वो मुकम्मल होती है. 그래서 이 세 가지가 되어지면은 몇 명만 이렇게 붙잡고 현장에 딱 들어가도 역사가 일어나는데요. 사람 많이 막 바꿔집니다, 사람. 네, और मेरे जीजो जब आप इस तरह से होकर खुदावंत के कलाम की मुनादी में शामिल होते हैं और दिली शौक के साथ खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं तो कितने ज्यादा लोग तैयार हो जाएंगे. 그 속에서 영접할 사람이 나오고요. 그 영접할 사람을 세울 사역자도 나오고요. 그렇게 됩니다. 네, और इस तरह से लोग खुदावंत के कलाम को कबूल करेंगे, खुदावंत यीशु मसीह को कबूल करेंगे और इस तरह खुदा के सच्चे शागिर्द तैयार होंगे. 말씀 운동이 지속이 되고요. 기도 운동이 지속이 되면서 전도 운동이 자연스럽게 일어나요. 네, और जब आप कलाम अंजीली बिशारत की तहरीक में शामिल होते हैं, कलाम की मश्क में शामिल होते हैं, दुआ करते हैं तो यह सिलसिला जारी और सारी रहता है. 이것이 다락방 운동입니다. 네, और यह है आलमे बाला की सॉरी बालाखाना की अंजीली बिशारत की तहरीक. 다락방 할 때에 말씀으로 성도들을 보호한다니까요. 뭐 이단 사교들 싹 얘기가 하나도 없어요. 네, और फिर जो कलीसियाओं में अक्सर औकात बिदात जन्म लेती हैं जब आप कलाम की मुनादी करते हैं लोग मुकद्दसीन कलाम की कलाम के ऐन मुताबिक तैयार होते हैं तो बिदात का खात्मा होता है. 자연스럽게 전도 훈련이 되고요. 그리고 그 성도들의 양육이 자연스럽게 다락방에서 돼요. और इस तरह से जब खुदावंत के कलाम को लोग सुनते हैं और कलाम की बार-बार मश्क में शामिल रहते हैं 당연히 현장에서 열매가 나타나고 신방 문제도 해결이 돼요. जी और इस तरह से आपके इलाका जात में मुनादी के वसीला से फल पैदा होने शुरू हो जाते हैं. 다락방 하면서 말씀 운동을 일으키고 말씀 운동 속에서 치유 운동이 일어나야 돼요. 네, और फिर कलाम की मुनादी के वसीला से जो शफा की तहरीक है 그래서 정상적으로 치유가 되는 겁니다. 네, और इस तरह से वो लोग जो जामे शफा के मुतलाशी हैं 주님께서 말씀하셨죠. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 네, और मसीह खुदावन के अल्फाज पर गौर करें कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. 네, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह में खुदा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो. 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 네, और जो बातें और उनको ये तालीम दो. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 네, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. 여기에 동참하고 모인 사람들이 요 말씀을 이해할 때 역사 일어납니다. 네, और जब आप कलाम की मुनादी करते हैं लोग कलाम को सही मानों में सीखते हैं तो इस तरह से आपकी मुनादी फलदार साबित होती है. 그리고요 분명히 알고 있어야 될 것이 있어요. 분명히 알 것. 오케이. और सही मानों में जानना. 그게 뭐냐니까
성령의 실제성을 알아야 돼요. 성령의 실제의 역사하시고 실제로 우리 안에 계시고 역사하신다요. 네. 그리고 पहले नंबर पर कि रूहुल कुद्स की हिदायत और रहनुमाई की बदौलत जानना और रूहुल कुद्स जो आपके अंदर है. 성령 우리 안에 계시면서 실제로 내가 현장 갈 때 성령은 분명히 역사하셔요. 네. 그리고 खुदा का पाक रूह जो आपके ऊपर उंडेला गया है या खुदा का पाक रूह जो आपके अंदर कयाम करता है वो आपको सही तालीम देता है सही चीजों के बारे में सच्चाई के बारे में बताता है 어느 정도 성령께서 우리를 역사하시냐 우리가 마땅히 빌 바를 기도도 제대로 못 하지만은 성령께서 우리를 위해서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 대신 강구하고 계시는 게 성령이에요. 지, 그리고 खुदावन का कलाम किस तरह हमारी हिदायत और रहनुमाई करता है वो बताता है कि हमें दुआ करना नहीं आती और हम नहीं जानते कि हम किस तरह से दुआ करें लेकिन खुदा का पाक रूह आहें भर-भर कर हमें सिखाता है. 성령이 내 안에 계시는데 내가 성령 계시는 것 모르는 척하고 막 이렇게 지나가잖아요. 그것이 바로 성령을 소멸시키는 거예요. 네, 그리고 हमें कई चीजों के बारे में इल्म नहीं होता लेकिन खुदा का पाक रूह हमारी हिदायत और रहनुमाई सच्चाई में होकर करता है कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है 그래서 성령을 소멸시키지 마라 그러잖아요. 네, so इसका मतलब है कि रूह को थामे रखें. 그리고 성령을 근심케 하지 말라고 그랬죠. 네, 그리고 खुदावन का पाक रूह को खुदावन के पाक रूह के मुताबिक होकर बोलते रहे 성령은 언제 근심하냐 내가 성령 인도 안 받고 엉뚱한 짓거리를 내 마음대로 했을 때 성령이 근심해요 जी और जब तक कोई खुदावन के पाक रूह को हासिल नहीं करता वो सच्चाई के बारे में नहीं जान सकता जैसे ही आपने पाक रूह को हासिल किया पाक रूह आपकी हिदायत और रहनुमाई करता है 이 말은 무슨 말이냐 성령을 소멸시키지 마라 성령을 근심케 하지 마라 이 말은 성령이 네 안에 계신다 그 말이요 जी और कब कब रूह पाक काम करना शुरू करता है जब खुदावंत का पाक रूह आपके अंदर आता है खुदावंत का पाक रूह का नज़ूल आपके बदन में होता है 이 사실을 분명히 알고 있어야 돼 जी सो इन इन बातों के बारे में जानना बेनतहा जरूरी है 그리고 또 한 가지 분명히 알고 있어야 될 거 जी सो एक और वजह जानने की 사단도 실제합니다. 네, 아까 देखिए शैतान भी अपने अपनी सरगर्मियों में है. अपने कामकाज को जारी और सारी रखे है. 사단도 지금 실제로 역사하고 있어요. 네, और इस वक्त शैतान भी लोगों के दरमियान होकर कामकाज में मसरूफ है. 성령께서 천사들을 이렇게 움직이시는 것처럼 사단도요. 지금 막 그 사자들 귀신들을 움직이고 통제를 하고 있어요. और जिस तरह खुदा के पाक फरिश्तगान आपके पास आते हैं उसी तरह से शैतान भी अपनी बदरूहों को नापाक रूहों को भेजता है 그래서 예수님 재림하실 때까지 사단은 지금도 활동하고 있습니다. जी और जब तक खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया पर नहीं आ जाते शैतान भी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ है 요 놀라운 하나님의 말씀 다락방 을 내가 하는 동안에 분명히 알고 있을 것 성령은 실제로 역사하신다 사단도 실제로 지금 움직이고 있다 जी और हमें इस बारे इसके बारे में जानने की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह भी काम कर रहा है और शैतान भी अपना काम कर रहा है 사단이 역사하고 있어요 지금 इस वक्त भी शैतान अपने कामकाज में मसरूफ है 여러분들이 양육하러 이제 현장에 갈 때 사단이 지금 역사하고 있어요. 네, 어 फर्स्ट करें कि आप अपने इलाके में जाते हैं तो इलाका जात में जाकर सबसे पहले शैतान की लानत को खत्म किया करें. 은혜 못 받게 하고 말씀 못 깨닫게 하려고 사단이 역사한다니까요. 네, 어 शैतान किस तरह काम करता है ताकि खुदा के कलाम की खुशखबरी की रोशनी लोगों तक ना पहुंचने पाए या लोगों को इस तरह से बहरा बना देता है वो कलाम को ना सुने 여러분들과 성도들 이렇게 믿음이 약한 성도들에게 틈을 보면서 사단이 역사하고 있어요. 네, और शैतान किस तरह काम करता है लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है ताकि वो कलाम ना सुने
야, 아께 خلاف 카데. 성령도 실제로 우리 함께 계시고 우리 안에 계신다. 역사하시고. 지, 어, 에크 어 치즈 잔네 키 즈룰테 케 후다카 파크루 아께 안더 해. 어보 아께 마덧 카르타 해. 이 두 가지 사실을 실제로 분명히 알고 있지 않으면은요 역사 안 일어나요. 지, 어, 메레 지소 인 도노 바토케 바레메 잔나 즈루리 해. 케 후다카 파크루 카암 카르타 어 샤탄 비 카암 카르타 해. 사단은 지금도 우는 사자처럼 삼킬자를 찾고 있는데 이 사단을 꺾어버려야 역사 일어나요. 지, 어, 샤탄 비 इस वक्त लोगों को फाड़ने की तलाश में है, तबाव बर्बाद करने की तलाश में रहता है. अब जरूरी क्या है कि शैतान के सर को कुचला जाए. 성령이 지금 내 안에서 계시고 내 안에서 역사하시는데 이 성령의 권능을 받아야 역사가 일어나요. 지, 어, किस तरह से खुदा के कुदूस नाम को जलाल मिलेगा कि खुदा का पाक रूह जो आपके साथ है खुदा के पाक रूह की बदौलत कुवत को हासिल करें. योहन्नबुकम 16장 24절을 보세요. 16장 24절. ओके. मुकद्दस योहन्ना की انجیل 16वें बाब की 24वीं आयत को देखें. मुकद्दस योहन्ना की انجیل 16वें बाब की 16वें बाब की 24वीं आयत को देखिएगा. पाकला में यूं लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. आमीन. आमीन. 그렇습니다. 여기 보니까 지금까지 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 이제는 구하라 그리하면 받으리 너희 기쁨이 충만하리라 그랬죠? 아멘. 예. 자, 16장 13절로 한번 읽어보세요. 13절. 오케이. 아, 13वीं आयत को भी देखिएगा. मुकद्दस योहन्ना की انجیل 16वें बाब की 13वीं आयत. मुकद्दस योहन्ना की انجیل 13절. 예예, 13절. 아, 13वीं आयत पाकला में यूं लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा. इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा. आमीन. 지금도 우리를 함께 계시면서 인도하고 계신다는 거예요. जी, और इस वक्त हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है कि खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है और वह हमें सच्चाई की राह दिखाता है. 똑같이 사단도 지금도 우리를 넘어뜨리기 위해서 세밀히 틈을 보고 있어요. लेकिन इसके साथ-साथ देखें तो शैतान की सरगर्मियां भी जारी और सारी हैं. 우리가 잠자고 있을 때 사단은 자지도 않습니다. जी, और जब हम सो जाते हैं या जब हम आराम करते हैं, 그 사단은 우리가 전도 현장에 나가서 이 운동을 일으키는데 한 사단이 가만히 둘 리가 없어요. 계속해서 틈을 보고 예, 뭐 이 방해를 하는 거예요. जी, और जब आप आकर अपने घरों में बड़े इत्मीनान से सो जाते हैं तो फिर शैतान को मौका मिल जाता है, वो आपके इलाका जात में जाकर अपनी सरगर्मियां शुरू कर देता है. 그래서 아까 우리가 요한복음 17장 11절 12절 읽었잖아요. 아버지의 이름을 주신 거예요. जी, और आज जो हमने हवाला तलावत किया था मुकद्दस योहन्ना की انجیل 17वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत में, इसीलिए मसीह खुदावन ने हमें बाप का नाम अता किया है. 아버지의 이름을 예수님께 주었어요. 그 예수님의 이름을 우리에게 주셨어요. 지, 어, 후다 밥네 마시히 후다만코 남 아프나 아타키야 어 마시히 후다만네 함에 아프나 남 아타키야. 그래서 다윗은요 골리앗한테 이야기합니다. 너는 칼과 단창으로 내게 오지만 나는 네가 모여가는 만군의 여호와 이름으로 너한테 간다. 지, 어, जब मुकद्दस दाऊद जाति जूलियत के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुझे खुदा के नाम में आज यहां पर नेस्त और नाबूद करूंगा. तू मेरे खुदा की तू मेरे खुदा और मेरी कौम की तस्दीक करने वाला है. 예수님의 이름을 받은 제자 베드로는요 나아가서 뭐라 그랬습니까? 천하 인간의 군어들 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. 지, और इसी तरह से मुकद्दस पत्रस जब वो खुदावन यीशु मसीह का नाम लेकर निकलते हैं, जब खुदा का पाक रूह उनको अता किया जाता है तो वो बयान करते हैं कि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से
हम निजात पा सकें। सादान을 꺾고 사단의 저 쫄개들 귀신들을 꺾고 결박시키는 것이 그 이름입니다. 지, 오늘 이게 एक ऐसा नाम है जिसके वसीला से बदरुहें भागती हैं, शैतान डरता है, कांपता है, शैतान दफा दूर हो जाता है। यीशु के नाम से। 다섯 번째입니다. 그러면은 우리가 기도 응답을 우리도 받고 기도 응답을 내가 세우는 그 이 성도들 전도한 사람들 새 가족들이 기도 응답을 받도록 해야 되잖아요. 지, so mere zizo apne aap jo shagird taiyar karte hain unko bataye ki duaon ka jawab hasil kare. 그래서 다락방을 계속 해야 되는 거예요. 지, so isliye main baar baar kehta hu ki jo anjili bisharat ki tehreek hai ya bala khana ki bisharat ki tehreek hai usme shamil ho. 내가 영접에서 끝내 버리면 안 돼요. 거기서 끝나는 것이 아니고 말씀 운동으로 연결이 돼야 돼요. 예. और यहां पर बात एक और सीखने की है कि सिर्फ मसीह खुदावन को कबूल करना ही काफी नहीं बल्कि उसके बाद कलाम में ग्रो करें. 말씀 운동과 함께 기도 운동이 지속이 되면은요. 살아나요. 지. और जिंदगी किस तरह से लोगों में कायम होगी कि खुदा के कलाम की मश करें दुआ करें और इस तरह से जिंदगी पैदा होगी. 일꾼이 준비되고 그러면 이 교회 안에 일꾼이 준비되고 바깥에서 일꾼이 세워지고 그다음에 하나님의 귀한 그 복음의 메시지가 있으면 생명의 역사가 일어납니다. 지. और फिर मैंने आपको तीसरे नंबर पर यह भी सिखाया था कि अपने क्लीसिया में शागिर्दों को तलाश करें काम खुदा के कारकुन खुदा का काम करने वाले लोग और दूसरे नंबर पर इलाका जात में हकीकी शागिर्दों की तलाश करें और इनको किस तरह से आप तलाश करें खुदा का कलाम सुनाने की बदौलत और जब ये तीनों बातें मुत्तफिक हो जाएंगी तो जिंदगी आपके इलाका जात में आएगी. 그래서 다락방 운동은 기도 응답이요. 다락방 운동은 पांचवें जी और पांचवें नंबर पर दुआओं का जवाब हासिल करें. 그래서 다락방 운동은 기도 운동이요. 지. और जो अंजीली बिशारत की तहरीक है उसमें दुआओं का जवाब हासिल करना या दुआएं दुआएं करते रहना बड़ा जरूरी काम है. 기도를 기도 응답을 못 받는 성도들이 굉장히 많아요. 그래서 빨리 다락방을 해야 돼. 지. बहुत सारे लोग जो मुकद्दसीन हैं या आपकी क्लीसियाओं में लोग हैं दुआओं का जवाब हासिल नहीं करते ना ही वो दुआ मांगते हैं. इस तरीका को तब्दील करने की जरूरत है. वो दरअपांगेसो कुयंगयेबे मुंजे हेगेरागो शिनबांग मुंजे हेगेरागो के यांगयोंग मुंजे हेगेरागो संगदोदल बोहोहानेन कुगोसी दरअपांगेसो दा हेगेरी देगेदेनयो. जी. और जो अंजीली बिशारत की तहरीक है या जो बालाखाना की बिशारत की तहरीक है उसमें ये सारी बातें बयान की जाती हैं कि खुदावंत के कलाम की मुनादी किस तरह करनी है खुदावंत के कलाम को सीखना किस तरह से है दुआ किस तरह मांगनी है खुदा के जो कारकुन है उनकी किस तरह से तलाश करनी है और जो इलाका जात में मुश्किलात है उनको किस तरह से दूर करना है ये सारा तरबीती काम सिखाया जाता है. तनाकबांगन हंजांग उंदोंगीगी तेमने हंजांगेसो सारामदरी ब्योनादेगो येसु मिको बाकाजिगो 그리고 현장에서 말씀이 성취되는 것을 보면은 그 현장에서 보는 사람이 바로 살아나요. 지. और फिर मेरे जिजो जब आप अपने इलाका जात में जाकर खुदावन के कलाम की तबलीग करते हैं इलाका जात में खुदा का इत्मीनान पाया जाता है और खुदा के इत्मीनान की बदौलत जिंदगियां जन्म लेती हैं जिंदगियों की बदौलत खुदा के शागिर्द उठ खड़े होते हैं. 기도 응답 못 받는 성도들이 그 현장에서 하나님의 말씀이 성취되고 현장에서 하나님의 말씀대로 일어난 거 귀신이 쫓겨나고 이런 거 보면은 바로 살아납니다. 지. और जब तक लोग दुआ नहीं करते उनको दुआओं का जवाब नहीं मिलता लेकिन जब लोग दुआ करते हैं उनको दुआओं का जवाब मिलता है आपके इलाका जात में कलाम की मुनादी होती है और कलाम की मुनादी की बदौलत हकीकी शागिर्द उठ खड़े होते हैं. 그래서 기도를 기도 응답을 계속 못 받고 있는 사람도 이 현장에서 그걸 참여하고 그걸 옆에서 보면은 바로 기도가 실제로 일어나는 그 기도의 사람이 되어버리고 말아요. 지. अब देखें कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ना दुआ करते हैं ना दुआओं का जवाब हासिल करते हैं
وہ بھی علاقہ جات میں خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اکثر اوقات ناکام ٹھہرتے ہیں. یہ کیدونگ دم اوپر میں ہی می اپسویو. ایسے لوگ جو دعا نہیں کرتے یا دعاؤں کا جواب نہیں پاتے. کرسے بھوگمر آمنا چنارن کے آنیو. جی سو اس کا مطلب ہے وہ منادی کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ یہ ہمی اپسویو ان دمیدا. جی سو میرے عزیزو جب آپ کے اندر روحانی طاقت نہیں ہے تو پھر منادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بن دو بن آگو مو ہن دل دو دل انہوں کیا گو مال کو کاتھم آنے آدھے جو. جی اور اس طرح کے لوگ بڑی 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 ہمت کی بات ہے کہ وہ ایک ہفتہ منادی کر لیں, دو ہفتہ, یا ہو سکتا ہے ایک یا دو مہینہ منادی کر لیں, اس سے اوپر نہیں جاتے. یہ چندو اندون یو تھرک پاک اندون کیسو کیا دے ہو پھنگزن کیسو کیا دے گو کیسو خدا گھنانے میں آپ پہ کھایا دے. جی سو میرے عزیزو ہر وقت خدا کی حضوری کو محسوس کریں, خداوند کے کلام کی مشق میں رہیں, دعا کریں اور مسلسل طور پر منادی کرتے رہیں. 여러분 파키스탄 민족 복음화를 이루려면은 여러분들이요 다락방을 계속해야 돼요. 지속으로 해야 돼요. 지, so mere sister jab aap Pakistan mein anjili bisharat ki tehreek chalana chahte hain to lazmi baat hai ki aap bala khana ki jo anjili bisharat ki tehreek hai usme shamil ho. 다락방은요 성경 공부가 아닙니다. 지, dekhiye jo anjili bisharat ki tehreek hai ye koi mazak ki baat nahi hai. 초대교회 마가 다락방에서 일어난 그 저 현장 운동이에요. 기도 운동이. 네. 오케이. اور جو جو 120 کی جماعت تھی مقدس مرکز کے بالا پر وہ کلام کی مشق میں رہے, وہ دعا کرتے رہے. یہ ہے انجیلی بشارت کی تحریک. 요거를 여러분들이 시작해야 됩니다. 정식 기도. 오케이. دوسرے نمبر پر دعا کی پابندی کریں. 하루에 세 번 정도 시간을 정해서요. 기도를 시작하세요. 지, 깜스캄 एक दिन में 3 مرتبہ کم از کم دعا ضرور کریں. وقت کی پابندی کریں, دعا کی پابندی کو اپنائیں. 여러분 일단 시작하면 돼요. 지, اس کا آغاز کریں. 하루에 세 번씩 기도요. 지, کم از کم دن میں 3 مرتبہ دعا. 계속 기도하다 보면은 조급하지 말고 계속 기도해. 안 돼 잊어버리면 또 기도하고 하루에 세 번씩요. 지, 퍼스트 करें कि एक वक्त आपकी दुआ नहीं होती या एक वक्त निकल गया तो दोबारा उस वक्त को अपना ले. 여러분 옆에 그 좀 무슬림 군들이 그 기도하는 거 그 잘 하잖아요. 하루에 세 번. 지, और मेरे जीजो आप एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और आप सब जानते हैं कि आपके जो मुसलमान भाई हैं वो 5 مرتبہ دن میں دعا کرتے ہیں. 그 기도를 하다 보면은 아 정식 기도는 이렇게 해야 되겠구나 이제 하나님께서 알게 하십니다. 지혜를 주셔요. 지, اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ خداوند کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو جو خدا کے لوگ دعا کرتے نظر آتے ہیں پرانے عہد نامہ میں نئے عہد نامہ میں, ہو سکتا ہے آپ ان کے نمونہ کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میں کیوں دعا نہیں کرتا اور وہیں سے آپ دن میں 3 مرتبہ دعا کرنا شروع کر دیں. 이렇게 하면서 다락방 운동이 제대로 일어나요. 지, اور جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر جو بالا خانہ کی انجیلی بشارت کی تحریک ہے آپ اس میں شامل ہوتے ہیں. 그러면서요, 기도 운동을 제대로 하기 위해서 여러분들이 이미 받은 축복을 근거로 해서 기도해야 돼요. 지, so میرے عزیزو جتنی برکات خدا نے آپ کو عطا کی ہیں آپ ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور جب آپ دعا کو اپنی زندگی کا نصب و لین بناتے ہیں. ہبوگاگو نورینن چھکبوگیو. جی سو جتنی برکتیں, نمبر 6, جتنی برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں ان میں لطف اندوز ہونا اور ان کی شکر گزاری کرنا. نانن اورینن ہنانی میں چھانی امیدہ. جی ہم خدا کے فرزند ہیں, پہلے نمبر پر لکھ لیں چھوٹی ہیڈنگ. 그리고요 하나님의 자녀이기 때문에 내 안에 성령이 내주하십니다. 지, اور چونکہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا کی بیٹی ہوں میرے اندر خدا کا پاک روح ہے, خدا کا پاک روح قیام پذیر ہے, خدا کے پاک روح نے قیام کیا ہے. 우리는 양자의 영을 받았어요. 지, اور ہم نے ایک مقدس چیز کو حاصل کیا ہے. 그리고 우리는 성령의 인침을 받았어요. 지, اور ہم خدا کے لے پالک فرزند ہیں. 고린도전서 2장 12절이요.
ओके पहला ग्रंथियों दूसरे बाब की 12वीं आयत को देखें पहला ग्रंथियों दूसरे बाब की 12वीं आयत सब बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा पहला ग्रंथियों दूसरे बाब की 12वीं आयत पाकला में यूं मरकूम है मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं आमीन आमीन 예, 우리가 세상 영을 받지 아니하고 하나님께로부터 온 영을 받았다 그랬어요. 지, 오늘 바르미 아이트에 मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं. 아멘. 우리의 문제는 어디서 오냐? 내가 구원받았는데 삶하고 구원하고 끊어져 버린 게 관계가 없는 게 문제가 와요. 지, 어,अगरचे हमने निजात पाई है हमने मसीह खुदावंत को कबूल किया है तो फिर ये मुश्किलात हमें किस तरफ से घेर लेती हैं एवे 들을 때는 하나님 있는 것 같은데 바깥으로 나가면 벌써 세상과 접촉이 되면서 하나님이 어디 온데간데 없어요. 이것이 문제예요. 지. 아브 देखिए कि बाज़ोकात हम चर्च में तो आ जाते हैं इबादत करते हैं और हम वहां पर खुदा की हुजूरी को भी महसूस करते हैं कि खुदा हमारे साथ है लेकिन जैसे ही हम चर्च से बाहर जाते हैं हम इन चीजों को भूल जाते हैं 우리의 구원받은 것은 금방 우리가 구원받은 것은 그냥 이 세상과 떨어져 있는 것이 아닙니다. 지, 오늘 ऐसा नहीं है कि आपकी निजात या आपकी उम्मीद टूट जाती है. 여기 오늘 읽어보니까 아까 읽어보니까 은혜로 하나님이 은혜로 주신 것들을 알게 한다고 우리에게 성령이 계신다 그러잖아요. 지, 오늘 하나님의 말씀에 मुताबिक होकर जानने की जरूरत है कि खुदा ने जो आपको बरकतें अता फरमाई हैं खुदा ने जो आपको नेमतें अता फरमाई उनको जानना जरूरी है 이게 없으면은 구원의 감격이 없어요. 지, फर्ज करें कि अगर आप कलाम के मुताबिक होकर अपनी जिंदगियों को नहीं देखते तो फिर निजात को किस तरह समझेंगे? 구원 속에 있는 어마어마한 축복을 보지를 못하기 때문에 그렇습니다. 지, और जब आप अपनी निजात के बारे में गैर मुतमिन है या निजात को सही मानों में नहीं पहचानते 성령이 우리 속에 가만히 계신 것이 아니고 성령이 우리를 동행하십니다. 지, 오늘 दूसरे नंबर पर लिख लीजिएगा कि खुदा का पाक रूह जो आपको अता किया गया है जब वो आपके बदन में आ जाता है तो वो खामोशी से बैठा नहीं रहता 지금도 눈에 보이지 않게 성령께서는 우리를 세밀하게 인도하고 계십니다. 지, 이스 वक्ती खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है हमें कुवत अता फरमाता है हमारी हदायत और रहनुमाई में मसरूफ है 그런데 성령이 눈에 우리 눈에 안 보이잖아요. 지, अगरचे हम अपनी जिस्मानी खुली आंखों से पाक रूह को नहीं देख सकते 안 보인다는 것은 성령이 사람의 간섭을 받지 않는다는 얘기예요. 지, ये इंसानों की गलत फहमी है कि हमें खुदा का पाक रूह नजर नहीं आता 그래서 모든 것을 성령은 통치하시는 분입니다. 지, 레킨 खुदा가 파크루 아프키 하시엣코 탑딜 करने वाला खुदा가 파크루 है. 성령은 우리의 인도를 받지 않고 우리를 인도하십니다. 지, 레킨 함에 जरूरत है 파크루키 के सारा इज्जत और जलाल जो खुदा게 पास है. 예, 하나님은 영이시지요. 지, और खुदा 파크루 है. 이 사실을 정말로 실제로 깨닫고 실제로 믿는 것이 성령 충만이요. 지, 오늘 이 하기껏고 사히 마노에 समझ잖아, 야 칼람께 무타빅 호컬, 하다께 칼람코 समझ잖아, 하다코 समझ잖아, 이해 파크루키 마무리. 기도 많이 할 때 그것이 깨달아져요. 지, 오늘 잡아 두아 करते हैं, 영이 열려집니다. 지, 오늘 잡아 두아 करते हैं, 아프게 드라마제 खुल जाते हैं. 근데 집에서 TV 보면 그것이 닫혀져. 지, 오늘 아아 देखते हैं कि आपके घर में अगर एक टीवी है आप उसको ऑन करते हैं तो वो ऑन टीवी उसी वक्त ऑन हो जाता है 여기 닫혀진 생각 신 상태가 돼 버려요. 지, और इस तरह से आप अपनी हालत को जान लेते हैं. 이렇게 해서 이제 우리도 모르는 사이에 세상과 가까이 돼 버리고 맙니다. 지, और इस तरह आप जब आप खुदा के पाक रूह को हासिल करते हैं तो आपको आप दुनियावी चीजों से भागते हैं. 하나님의 자녀가 반드시 회복하고 누려야 될 것. 기도의 특권이 주어졌다는 겁니다. 지, और खुदा ने आपको दुआ करने का बड़ा इख्तियार अता किया है.
정말로 하루에 세 번 기도를 시작하시기를 바랍니다. 지, so 메레 지소 딘메 3 마르타바 두아카 아가스 카레. 일단 해 보고 얘기하세요. 지, 오레 자라 이스키 프랙티스 도 카르케 데케. 약속하세요. 하루에 세 번 기도하겠다고요. 지, 메레 사트 와다 카레 케 앞 로즈 딘메 3 마르타바 두아 카렌게. 약속하세요. 얼른 손 들고 약속하세요. 지, 자라 아프네 하토코 타카르 메레 사트 아앞 와다 키제 케 앞 하루에 세 번 하루에 세 번 기도요. 지, 하루에 세 번 기도. 3 आप तीन मर्तबा दुआ जरूर करेंगे अपने हाथों को बुलंद करके मेरे साथ वादा करें कोई कैसे कहा गया नानन पाकिस्तान है देगा जेल पाकिस्तान आने देगा जेल गिदोरुल मानी हन सारामी देगेत्ता याक्सो हासियो जी मेरे साथ एक वादा करें कि आप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दुआया जिंदगी गुजारने वाले खुदा के शागिर्द होंगे आमीन मेरे साथ वादा कीजिए आमीन 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 करके दिया 여러분, 여러분 네. 마음이 있어야 여러분들 파키스탄을 살리지. 지, 어쩝 아, 이스타나카 이만 렉행게, 아, 이스타나카 딜 렉행게, 또 아기 두아케 무실라세 파키스탄 진득이 빠이가. 아멘. 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 자, 돈을 가지고 그렇다면은. 지금부터 어떻게 시작해야 하는가? 요거는 계속 이렇게 하면서 좀 알아야 될 것이 있어요. 지, so 메레스도 함께 키스트란스 무스빌 무자지께 사 부다께 사 찰나해. 세상 끝날까지 사단은 지금 활동하고 있다는 사실을 알고 있어요. 지, 첫째, 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 사단의 정체를 밝히는 것은 지구상에 성경밖에 없어요. 성경책밖에 없어요. 어, 메레시소 पहले नंबर पर आप लिख लीजिएगा छोटी हेडिंग में कि शैतान को शैतान पर गलबा पाने के लिए हमें पाक रूह की अशद जरूरत है पाक रूह की मामूरी की जरूरत है 베드로전서 5장 8절 한번 읽어 보세요. 오케이. 무카드스 पत्रस का पहला खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें. मुकद्दस पत्रस का पहला आम खत उसका पांचवां बाब पेत्रोजन 5장 8절 ये मुकद्दस पत्रस का पहला खत पांचवां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है तुम होशियार और बेदार रहो तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए आमीन आमीन खुनशिनारा क्यों नई तेजमागे उनन साजाटन संचचल छंदाको रेजा जी तुम होशियार और बेदार रहो तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए आमीन ये सदानी 완전히 결박하는 날이 지구가 끝나는 날이요 역사가 끝나는 날 जी और जिस दिन आप शैतान के तमाम मंसूबों को नेस्त और नाबूद बनाते हैं कते येशुनिमी चेरिमाशिनन दारी जी और कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन शैतान का खात्मा होगा जब खुदावन यीशु मसीह दूसरी आमद पर होंगे 그래서 절대 방심하면 안 돼요. जी सो मेरे जीसो इस बात को अपने ज़हन से मत निकाल फेंकिएगा. 계속 방해를 합니다. 뭘로 하네? 악한 영으로 방해합니다. जी और वो अभी भी मुस्तकिल तौर पर अपनी सरगर्मियों में मसरूफ है अपने बदरूहों के वसीला से बुरी रूहों के वसीला से 귀신들을 풀어 가지고요. 미혹의 영으로 역사합니다. 지, 어, 아프삽 잔테, 그, 잡, 부리 루헤, 키신, 산, 미아티, 헤, 또, 워, 루하니, 토, 어, 우스코, 또, 바, 버바드, 카, 카, 락, 데티. 거짓말로 역사합니다. 거짓의 영으로 역사해. 지, 어, 필, 아, 데켄, 케, 샤탄, 조, 주, 볼타, 헤. 그래서, 거짓 선지자가 나옵니다. 지, 어, 이스라, 인, 산, 켄데, 주, 빼다, 카, 헤. 이단으로 역사합니다. 이스라, 세, 비다, 제넘, 데티, 헤. 귀신들을 활용해서, 성도들을 방해합니다. 지, 어, 그이 दफा 무카드신 메 या जो क्लिसिया के बड़े ईमानदार लोग हैं उनमें बदरूहें काम करना शुरू करती हैं. 이때 성도들은 늘 깨어서 기도하는 거예요. So, so 메레 지소 इस बात के लिए तैयार रहना कि हमने हर वक्त इबादत में रहना हम हमने हर वक्त दुआ करते रहना है. 에베소서 6장 18절은 성령 안에서 무시로 기도하라고 그러는 거예요.
اوکے افسیوں چھٹے باب کی 18ویں آیت کو دیکھیں افسیوں چھٹا باب جی ایک حوالہ دیکھیے چھٹا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اور ہر وقت دعا اور ہر طرح سے روح میں دعا اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو آمین آمین 예, 확신 없는 자들을 이렇게 찾아다니면서 이렇게 틈을 보고 있어요. 지, 어, 그 लोग 어, 조 जरा कम हिम्मत हैं या जो ईमान में कमजोर हैं, उनके लिए भी आप दुआ करें. 한번 내가 양보하면은 사단은 싹 들어와서 자기 전체를 싹 들어와서 일곱 귀신으로 역사합니다. 지, 어, 아, 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 اور اسی شخص کو سوکھے مقام میں پاتی ہے تو سات اور بری روحیں آتی ہیں اور یعنی یہ آٹھ بری روحیں اس آدمی کا حال پہلے سے بھی زیادہ بدتر کر دیتی ہیں 그래서요 사단에게 한 번도 사단과 타협을 하지 말아야 돼 사단에 양보하거나 이렇게 하면 안 돼요 단호해야 돼 جی سو میرے عزیزو شیطان کو کبھی اپنے اوپر حملہ آور نہ ہونے دیں یا اپنی زندگی میں اس کو کام کرنے کا موقع نہ دے کرن سادانی 제일 싫은 게 뭐냐 하나님의 백성들이 예배에 성공하는 걸 제일 싫어해 جی اور سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے شیطان کو کہ جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں 예배 성공 못하게 별 짓을 다 합니다 جی اور وہ کوشش کرتا ہے تاکہ آپ خدا کی عبادت میں ہی نہ جائیں 다섯 가지를 항상 기억해야 돼요 پانچ چیزیں جو آپ نے یاد رکھنے کی ہیں 그리고 생활해야 돼요 다섯 가지를 기억하고 생활해야 됩니다 예수님을 아는 일이요 예수님을 아는 일 바르게 아는 일을 생활해야 돼 جی سو میرے عزیزو پانچ چیزیں جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ مسیح خداوند کی تعلیمات کو یاد رکھیں مسیح خداوند کے کاموں کو یاد رکھیں سادانن کو 이름 앞에 완전히 결박을 받습니다 جی اور ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان یسو کے نام سے ڈرتا اور کانپتا ہے 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나 이 마귀는 처음부터 범죄하며 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 지, 오늘 میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھے گا مقدس یوحنا کا پہلا عام خط مقدس یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 30 باب اور اس کی 8ویں آیت میں پاک کلام میں یوں لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے آمین آمین 성삼위 하나님의 능력을 믿는 믿음이 깊어져야 돼요 جی دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے خدا باپ خدا بیٹا اور خدا پاک روح یعنی پاک تثلیث کو یاد رکھیں اس کی قدرت کو اس کے کاموں کو اس کی طاقت کو یاد رکھیں 보좌를 초월하는 하나님의 놀라운 축복이 거기서 나와요 جی اور یہی سے خدا کے خدا کا آسمان کھل جاتا ہے اور خدا کے تخت سے برکات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے بوجائے چکپوک حنانیم نارائی شیگونگل چھوڑا ننگیوک یوگیسا ناوئے سنگسامی حنانی کے ناوئے اور آسمان کی برکات خدا کا آسمانی تخت جہاں سے برکات نازل ہوتی ہیں اور خدا کی غائبی طاقت خدا کی غائبی طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے 모든 생기와 생명력이 그 성삼위 하나님께로부터 나오는 거예요. 지, 어, 이히 사리 चीजें आसमान से नाज़िल होती हैं, यानी खुदा की तरफ से जो जिंदगी हमें मिलती है. 그래서 성삼위 하나님, 하나님의 놀라우신 보좌, 그리고 모든 생명의 역사, 성령의 역사죠. 그리고 예. 그리스도의 모든 이름이 모든 삶의 현장에 다 불러져야 돼요. 지, so 메레 지소, 하나님의 저 아스만에 아스만에 버카트 나즐 호티 해, 어, 우스케 바드 아프 데켄 케, 잡 아프 하나님의 파크루키 르파카트 메, 하나님의 파크루세 마무르 호 자테 해, 또 아프 하나님의 터프세 타마 버카트 아타키 자테 해.
예수 그리스도께서 우리의 주인이 되셔야 됩니다. 제 3번째 넘버 파케 खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हकीकी मालिक माने. 그리고 그리스도 이름과 권능을 시인하고 사용해야 돼요. 지, so मेरे जीजो मसीह खुदावन की तरफ से जो आपको इख्तियारात दिए गए हैं अपनी जरा जांच पड़ताल करें और उन इख्तियारात का इस्तेमाल करें. 그리스도 이름의 권능이 사용이 되면은 어떻게 되냐니까 그 권능의 사용이 되면 성령의 역사가 일어나요. 지, और जब आप खुदावन यीशु मसीह के इख्तियारात के साथ चलते हैं तो खुदा के पाक रूह की रफाकत पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई. 자, 그러면은 지난번에도 이것을 설명했어요. 나는 지금 어떤 상태에 있는가? 지, 3번째 넘버 파케 하마리 하시엣 क्या है? 하마리 신앙트 क्या है? 내 인생의 중심이요. 지, 퍼스 करें कि पहला जो दायरा है ये आपकी जिंदगी है. 사탄이요. 오케이. 어, 이 다이아메 एक कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर शैतान बैठा है और उस कुर्सी के पाए पर आप हैं. 나는 여기 있어요. 지, 매 यहां पर हूं. 이거는 불신자들의 예수님하고는 상관이 없어. और इस दायरे के बाहर इस ड्राइंग के बाहर मसीह खुदावन है. 예, 베이만. 예, 베이만 로고가 기다. 근데 예수님 믿었어요. 지, 앞 देखें कि दूसरी ड्राइंग जहां पर किसी ने मसीह खुदावन को कबूल कर लिया है. 내가 여기 있어요. 지, 내가 지, 내가 이 कुर्सी पर बैठा हूं. 예수님은 여기 내 아래 있어. 예수님 내 아래 있어. 지, 아그르체 मसीह खुदावन को कबूल तो कर लिया लेकिन मैं अपने दिल की कुर्सी पर मैं खुद बैठा और पाए पर मैंने यीशु को बिठाया है. 이걸 육의 속한 자. 육신적인 जी, 사람이라고 그래요. 네, 이해해 جسمانی اشخاص. 또 한편으로는 영에 속한 사람이야. 지, और दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर रूहानी शख्स. 예수님이 나의 주인이야. 지, और रूहानी शख्स कुर्सी पर मसीह खुदावन को बिठाता है और पाए पर खुद बैठता है. 나는 예수님의 종의 자리에 서 앉아 있어요. 지, और जी और मैंने अपने दिल की अपने दिल की कुर्सी पर यीशु को बिठाया है अच्छी जगह पर. 지금 나는 어떤 상태에 있는가 살펴보세요. 솔직히. 지, और जरा अपनी शिनाख्त करें कि आप इनमें से कौन सी ड्राइंग पर हैं. क्या आप पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं या तीसरे नंबर पर हैं? 여기 상태에 거의 다 있어요. 지금. 지, 메레 지소 बहुत सारे मसीही इस ड्राइंग के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं. 크고 작은 일을 내가 다 처리해야 돼. 지, so, मेरे अजीजो यहां पर मैं अपनी मनमानी से चल रहा हूं. 문제 오면 내가 다 처리해야 돼요. 지, और फिर जब मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात मुझे घेर लेती हैं. 내가 주인이니까. क्योंकि मैं खुद अपनी जिंदगी का मालिक हूं. 그래서 갈등이 많고 시험이 많고 어려움이 많고 걱정 염려가 जी. 많은 거예요. और ये जो दूसरी डायंगे ये बताती है कि अगर चाहे आपने मसीह खुदावन को कबूल कर लिया है लेकिन चूंकि आप अपनी मनमानी से अपनी मर्जी से जिंदगी बसर कर ले इसलिए मुश्किलात में आप हर वक्त घिरे रहते हैं. 예수님께 나의 모든 주권을 넘겨드리고 예수님이 내 인생의 주인이라면은 모든 어려운 여러 가지 문제를 예수님이 직접 해결하셔. जी और फर्ज करें कि ये जो तीसरी ड्राइंग है जब आपने अपनी कुर्सी पर अपने दिल की कुर्सी पर खुदावन यीशु मसीह को बिठाया है तो इधर उधर से आपको जो मसाइल पेश आए जितनी मर्जी मुश्किलात पेश आए सख्त हालात ही क्यों ना हो मसीह खुदावन उन मुश्किलात पर से आपको निकाल खड़ा करता है. आमीन. जी सो इसका मतलब है कि जब मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है अपने दिल की कुर्सी पर बिठाया है तो मेरी कोई मुश्किलात नहीं है मेरी मुसीबतें नहीं है. 내 가정의 문제 주님이 알아서. 지, 어, 메레 조 칸단 키 무시킬라타 메라 예수 잔타. 내 미래 주님이 알아서. 지, 어, 메레 조 무시킬라 무스빌 키 무시킬라타 뭐 예수 무시 잔타. 모든 걸 주님이 알아서입니다. 지, 어, 또마음 치즈오코 무시 후다만 잔타. 자녀들의 문제 주님이 알아서. 지, 어, 조 메레 바초 키 무시킬라타 운케 바레미 비 예수 잔타. 파키스탄 미래를 주님이 책임져 주시도록 여러분들이 지. 주님께 주권을 넘겨드려.
جی اور جب آپ اپنی جو مستقبل کی مشکلات ہیں جب آپ خداوند یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح آپ کی تمام مشکلات کو دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں سومانن سارامدری اوسانگل چوینرو سامکو سال جانایو بہت سارے لوگ جو آج بھی بت پرستی میں مصروف ہیں آج بھی جو بے ایمانی کی زندگی میں مصروف ہیں یروبندری پارو ایگسل پاکستان منجوک پوگمانل سو کوچیشگیل بارام جی سو میرے عزیزو آپ خداوند کے کلام کی منادی کریں اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اور ملک کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں 그래서 하나님의 주권을 믿는 게 구원의 축복이요 جی سو سب سے پہلی بات کہ آپ کو جو بڑا حق عطا کیا گیا ہے 이걸 제대로 하려면 다락방 운동을 해야 돼요 جی سو دوسرے نمبر پر کہ انجیلی بشارت کی تحریک میں شامل ہوں 영접하고 끝나지 말고 말씀 운동으로 기도 운동으로 지속이 돼야 돼. 지, 어, 사실 중요한 바는 게, 사실, 제가 아픈 메시지 하나님을 거부할 때, 또, 이따가 힘이 가피 아니, 말게, 칼람의 마스크에 와요. 어, 제가 아픈 칼람의 마스크를 때, 해, 또, 아, 중요한 메시지. 여러분, 성도인들 전부 다 개인 다 데리고 다락방 하라 그 말입니다. 지, 어, 이스가 말하는 게, 아픈 아픈 جو آپ کے مقدسین ہیں آپ کے جو کلیسیا کے ممبران ہیں آپ ان کو یہ ساری باتیں سکھائیں تراکوہ میں سونگدودر بھوہاں گو چندو دو دے گو کرگو گین یانگیوک تو چائنی دے گو کدامے شمبانگ دو دے گو یرکی جی موڈو چیوہ اکسا چیوہ اندونگ دو کھنگسو تا دے بری گو مارا جی اور پھر جب آپ کے جو مقدسین ہیں یا جو آپ کی کلیسیا کے لوگ ہیں جب صحیح معنوں میں وہ خداوند کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات رونما ہوتے ہیں جب خدا کے کلام کو وہ حاصل کر لیتے ہیں تو منادی کے پھل پیدا ہوتے ہیں 그래서 일꾼을 찾는 겁니다. 교회 안에 일꾼, 현장의 일꾼, 그리고 그 메시지로 그 사람을 세워 나가는 거예요. جی اور تیسرے نمبر پر اس بات کی ذرا یقین دہانی کرنے کہ آپ اپنی کلیسیا سے خدا کے کارکنان کی تلاش کریں اپنے علاقہ جات سے کارکنان کی تلاش کریں اور کس طرح سے تلاش کریں ان کو خوبصورت میسج سنا کر اس طرح سے جب آپ وہ خدا کے کلام کو قبول کریں گے تو آپ کے علاقہ جات میں زندگی آئے گی بھوگم پینجر چھن بیسنی کا یرم دکھا جو سنگ دو دریو کہ موشن چندو آنا و مر آنا ترہ دو بھوگم پینجر کھاچی کو دے پونے سے کرگو الگو چھمین سے کی دو آرہ کو حشمن دیو دھراکپانگل چھنبو دا ہر سی طرح مندش ہے یہ اور جو آپ کے پاس خوشخبری کے خطوط ہیں اب آپ ان خوشخبری کے خطوط کو اپنے علاقہ جات میں کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں اپنے شاگردوں کے ذریعے سے آپ خود بھی جائیں اور اپنے شاگردوں کو بھی بتائیں کہ خوشخبری کا خط دوسرے لوگوں تک پہنچائیں دھرکبانگا میں سے نئے گا ارتن چھپکل بادن یا شمبن گوا پنسے رو بھلگن آگے دیمیدا جی اور ہم نے کس طرح سے قوت کو حاصل کرنا ہے ہم نے کس طرح سے منادی میں شامل ہونا ہے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے پاک روح کی معموری میں ہو کر ہللویا آمین 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 ہللویا آمین 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 ولسم مکسانیم کی دعا کو ماچیش بیشتا یہ آرگیس میں دا مکسانیم حمسہ میں دا مکسانیم جی زوردار سب تعلیم جائیں گے پائی صاحب کے لیے زوردار تعلیم جائیں گے پائی صاحب کے لیے کلام کے خوبصورتی کے لیے جو انہوں نے بیان کیا حمسہ میں دا مکسانیم آئیں ہم سب دعا کریں آئیں ہم سب دعا کریں اے رحیم مہربان سچے زندہ پیارے آسمانی باپ تیرے بڑے پاک فضل کے لیے تیرا شکر ہو کہ تُو نے آج بھی ہمیں اپنے خوبصورت کلام سے نوازا ہے اور خاص طور پر تیرے حضور میں تیرے بندہ کے لیے شکر گزاری بجا لاتے ہیں جناب محترم پاسٹر چھو سانگ یونگ کے لیے جنہوں نے نہایت احسن طریقے کے ساتھ تیرے پاک کلام کی امیق باتوں کو تیرے بیٹے بیٹیوں کے درمیان پہنچایا بخش دیا کہ احباب ہم اس کلام کو اپنے دل کی تختیوں پر نقش کرنے والے بن سکیں اپنی کلیسیاؤں میں اپنے علاقہ جات میں جب ہم جاتے ہیں اس کلام کے بارے میں بتائیں تو بہت ساری روحیں بچ کر تیری حضوری میں آنے والی ٹھہر سکے اسی طرح سے پاسٹر چھونگ من شک کے لیے تجھ سے بڑی برکت کی دعا چاہتے ہیں جتنے بائبل کالج ہیں اور جتنے منادی کے سکول ہیں سب کے لیے تجھ سے بڑی بھاری برکت کی دعا چاہتے ہیں تیرے حضور میں شکرانہ بجا لاتے ہیں پاسٹر عنایت فرانسس صاحب کے لیے جن کو تو نے اچھی صحت اور تندرستی سے نوازا اور ان کے کامیاب آپریشن کو ہم کنار کیا تیرا شکر ہو تیری پاک برکات تیرے لوگوں پر اسی طرح سے جاری و ساری رہیں نازل ہوتی رہیں مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین آمین